हेलो गाइस, वेलकम टू द एयरलाइन मैनेजर गेम प्ले। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस के बारे में। इस गेम में जो मेंटेनेंस होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले तो मेंटेनेंस सबको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ मेंटेनेंस क्या होता है। लाइक अभी हमारे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, राइट। तो उड़ते उनमें कुछ वियर आता है, मतलब कुछ दिक्कत आती है, राइट। तो उसमें वो एयरक्राफ्ट ख़राब होते रहता है धीरे धीरे से। जितना ज़्यादा आप उसको उड़ाओगे उतना वो उसका एज ख़राब होगा, या मतलब उसका एज कम ज़्यादा ज़्यादा बढ़ेगा, या उसके में थोड़ा बहुत कुछ थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आते रहेंगे, स्क्रैच आ गया, करोजन आ गया, ये हो गया हो गया। तो फ्लाई करते तो आता रहता, हवा से कुछ हो गया, बारिश हो गई, उसमें कभी कभी बिजली गिर जाती है कप पर। तो ये लाइफ जनरल लाइफ में होता है, तो गेम में भी सेम वैसे ही होता है। और उससे क्या होता है, हमारे एयरक्राफ्ट की लाइफ डिक्रीज हो जाती है, उसमें लाइफ ख़राब होती है, तो हमें उसको रिस्टोर करना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मेंटेनेंस नहीं करोगे तो आपका पूरा लॉस हो जाएगा, आपका एयरलाइन बर्बाद हो जाएगा, और आपका जो प्रॉफिट है, स्ट्रक्चरल प्रॉफिट है, वो पूरा पूरा डिक्रीज मतलब डाउन हो जाएगा, और आपका स्टार कम हो जाएंगे, आपकी रैंक कम हो जाएगी। मतलब मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है, और मेंटेनेंस हमें रोज़ करना पड़ता है, क्योंकि नहीं करोगे तो आपके लॉस हो जाएगा, राइट। तो मेरा भी अभी मैं 4-5 दिन, आपने देखा होगा लास्ट मैंने 4-5 दिन से कुछ वीडियो भी नहीं डाला था, मैं कुछ काम में बिजी था, तो उस टाइम मेरा बहुत लॉस हो गया था, राइट। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए मेंटेनेंस बुक में जाएंगे तो आप देख सकते हो मेरा लगभग 9 मिलियन तक उसमें चला गया था लॉस मेंटेनेंस, क्योंकि मेरा जो वियर रेट था, एयरक्राफ्ट की एज थी, वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, और मैंने वो ध्यान नहीं दिया, वो सब कुछ काम में बिजी था, इसलिए मैं ओपन नहीं कर पाया। तो क्यों, आपको उसको बहुत ध्यान रखना है, आपका मेंटेनेंस होना ही चाहिए, हर रोज़ आप उसको जो मेंटेनेंस का गेम है उसको खेलो। अब आप क्या होता है, इनिशियल स्टेज में हमारे पास कम एयरक्राफ्ट होते तो हम गेम खेल के भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास है 230, मुझे 237 मेरे पास एयरक्राफ्ट है टोटल, तो उनका गेम खेल के भी मेंटेनेंस करना बहुत, फिर भी मैं गेम ही खेलता हूँ, मैं ज़्यादा पैसा वेस्ट, अभी मेरे पास पैसे तो है बट मैं उस पर पैसे वेस्ट नहीं करता, सिर्फ मैं डी चेक, क्या होता है डी चेक, उसमें कभी कभी नहीं कर पाते हम गेम में, तो मैं सिर्फ डी चेक ही इसमें गेम में करता हूँ। तो आपको उसका ध्यान रखना है और मेंटेनेंस, तो मैं कुछ पैसे पे हम बात करें मेंटेनेंस कैसे करना, उससे पहले मैं कुछ आपको टिप्स देता हूँ, उससे क्या होता है आपका अब कुछ हद तक आपका मेंटेनेंस बचा सकते हैं, फिर आपके ए जो एयरक्राफ्ट का वियर है उसको कुछ हद तक कम कर, वो कैसे कर सकते हो, आपको रिसर्च में जाना है। सबसे पहले रिसर्च में जाओगे तो आपको एयरक्राफ्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, एयरक्राफ्ट ए वाला, तो एयरक्राफ्ट पे क्लिक करोगे तो आप कुछ ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वो आपको रिसर्च कंप्लीट करनी है, ताकि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कम आए, आपका एयरक्राफ्ट का जो मेंटेनेंस का पैसा लगने वाला है वो कम हो जाएगा, और उसका वियर मतलब उसका जो स्लो हो जाएगा वियर रेटिंग है, तो मतलब वियर चढ़ना या फिर एयरक्राफ्ट ख़राब होना वो स्लो हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो उससे क्या, देखिए ये एक रिसर्च है रेगुलर मेंटेनेंस, तो ये वियर को क्या करेगा, माइनस कर देगा थोड़ा। देखिए मैंने सारी रिसर्च कंप्लीट कर दी है, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है रिसर्च, उसके बाद इधर आगे जाओगे, फिर वहाँ पे आएगा एक्सपर्ट मैकेनिक, मतलब इसका होता है ब्रेकडाउन की प्राइस, जो भी अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ गड़बड़ भी हो जाती है तो उसका प्राइस जो एक्चुअल प्राइस आना चाहिए वो थोड़ा कम आएगा, हमारे माइनस में चला गया, ठीक है, ब्रेकडाउन प्राइस। तो मैंने ये तीनों भी रिसर्च कंप्लीट कर दी, आगे जाओगे फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन इंसिडेंस फ्रॉम, तो ये थोड़ा अभी मैं इसको कर रहा हूँ, तो आप भी कर रहे हैं इसको, ठीक है, आप भी इस रिसर्च को कंप्लीट करना, और आगे जाएंगे हम तो आप देख सकते हो कि स्पेशल इंजीनियर एज की जो एयरक्राफ्ट की एज है उसको कम करना है, ये भी मैं कर रहा हूँ अभी, आप भी कर लेना, ठीक है। तो अभी ये और एक है, इनकी प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा, तो अभी मेरे पास उतना इसको 5 बिलियन लगने वाले, तो ये बहुत ही कॉस्टली है, और इसकी रिसर्च कम्प्लीट 4 दिन लगने वाले, तो ये भी इतना पैसा भी नहीं है हमारे पास, तो इसको हम जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम कर लेंगे उसको भी। तो ये सब कुछ टिप्स है जिससे क्या होता है कि आप आपका मेंटेनेंस का जो ये है वो थोड़ा मतलब आप थोड़ा सा स्लो कर सकते हो अपने वियर को, एज को, राइट। तो अब मैं बताता हूँ आप मेंटेनेंस कैसे करना है, ठीक है। तो एक तो आपके पास एक इधर ऑप्शन है कि मेंटेनेंस गेम खेलो, राइट, गेम खेलो, उससे ऐड देखो, फिर गेम खेलो, ऐड देखो, गेम खेलो, तो उससे क्या होता है आपको पैसे नहीं लगेंगे, फिर आपको पैसे पे करने, फिर यहाँ पे मेंटेनेंस बुक में जाना है आपको, ठीक है, मेंटेनेंस बुक में यहाँ पे मेंटेनेंस पे क्लिक करना है, ठीक है। या बाहर से भी आप देख सकते हो, देखिए ये जो दो चार दिख रहे हैं ना कलर, अलग अलग कलर के, ठीक है, इसमें अगर इसमें रेड हो रहा है मतलब आपका सबसे खतरनाक इसमें हो, आपको मेंटेनेंस करना ही करना है, फिर आपको पैसे ही पे करने पड़ेंगे मेंटेनेंस करने के लिए। अगर ग्रीन में चल रहा है, देखिए ऊपर वाला मेरा ग्रीन में है, तो ओके, ठीक है,
मतलब 0 से 10 ओके है, फिर रेड आप अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आप 40 से ऊपर मत जाने देना कभी वीयर को, और एज जो होती है एयरक्राफ्ट की 3.5 से ऊपर कभी भी मत जाने देना। देखिए अभी मैंने ये 4.4 से 5 तक 10 एयरक्राफ्ट दिखा रहा है मेरा नीचे, राइट। तो मैं अभी इसका डी चेक करने वाला हूँ, मेरे पास पैसे भी है तो मैं उसका कर दूंगा डी चेक, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो देखिए, अब मैं दिखाई देता हूँ आपको कैसे करना है। आपको पैसे पे करके अगर मेंटेनेंस करना है तो मेंटेनेंस पर क्लिक करना है, राइट। तो यहाँ से आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हो किस रेंज से आपको करना है, ठीक है। तो मैं अगर एज का करने वाला हूँ, देखिए एज रेटिंग, तो मैं क्या करूँगा 3.5 से करूँगा 5 तक, ठीक है। मैं इसको वैलिडेट कर दूँगा, क्लिक करना है। देखिए अभी ये आपको बता रहा है कि आपके उस रेंज में कितने एयरक्राफ्ट है, 48 लॉन्ग हॉल है और 2 मीडियम हॉल है, तो टोटल हो गया 50 एयरक्राफ्ट। तो अगर 50 एयरक्राफ्ट आपको डी चेक करना है तो आपको लगेंगे 1 बिलियन से ऊपर लगेंगे, राइट। अगर आपको सिर्फ ए चेक करना है, मतलब उसमें क्या सिर्फ वीयर कम होगा, आपका एज कम नहीं होगा। तो अगर आपको डी चेक करना है तो आपको 1 बिलियन तक पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास पैसा है तो मैं अभी पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको क्लिक करना है, उस पर क्लिक करना है और उस पर ओके करना है। तो देखिए अभी इस देखिए इसको भी 24 आवर्स लगते हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप चाहते हो कि आप कहीं जा रहे हो, गाँव जा रहे हो, आप कुछ कर नहीं पाओगे, आप मेंटेनेंस या गेम ओपन नहीं कर पाओगे, तो आप उसी दिन क्या कर सकते हो, सब मेंटेनेंस पे डाल दो, फिर जब भी आपको टाइम मिले सिर्फ उसको कंप्लीट कर दें, तो आपके पूरे पूरे सब जीरो हो जाएगा, मतलब एज जीरो हो जाएगा और वीयर भी जीरो हो जाएगा। तो इसमें पैसे लगते हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप गेम खेला करो, इसलिए कि आप मेरे 1 बिलियन चले गए तो आपको गेम खेलना बहुत ज़रूरी है, रोज़ ओपन करो ताकि इतना बड़ा ना हो जाए कुछ। देखिए अब मैंने 2-3 दिन से ओपन नहीं किया था तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और वीयर तो मेरा बहुत ज़्यादा 40 से ऊपर चला गया था, तो मैंने गेम खेल के बहुत कम किया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कितना कम किया था। तो ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, ये मैंने कल गेम खेल के अपना रिपेयर किया था पूरा, देखते मैंने टोटल 78% तक रिपेयर किया था, उससे ज़्यादा भी किया था, 100 तक गया था मैं, बट वो मैंने फिर गेम एक बार क्लोज करके ओपन किया था इसलिए वो नहीं हो पाया। देख सका मेरा टोटल जो ये है, मतलब रिपेयर्स मैंने 78% सिर्फ गेम खेल के, मतलब मैं बहुत देर तक मैंने गेम खेला, लगभग आधा एक घंटे तक मैंने वो एडवर्टाइज देखा और रिपेयर किया, तो मैंने पैसे वेस्ट नहीं किए, सिर्फ देख सकते हो आप। तो आपको भी ऐसे करना है, तो देखिए 78% तक मैंने इस गेम खेल के ये। तो इतना था मेंटेनेंस के रिलेटेड। आपको एक तो ए चेक होता है, डी चेक होता है, राइट। ए चेक मतलब वीयर का होता है, डी चेक मतलब अपना एज का होता है। तो आपको मेक श्योर करना है आप मेंटेनेंस करते रहो, रोज़ गेम खेलो। अगर मेंटेनेंस के रिलेटेड कुछ भी और डाउट्स हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। दोस्तों इतना था वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।